नमस्कार, मैं मनोज जोशी। हेमा फाउंडेशन द्वारा निर्मित जीवन मूल्यों की पाठशाला ये कार्यक्रम में जीवन को समार कर व्यक्तित्व निर्माण करने वाले नैतिक मूल्यों का समावेश किया गया है। इन एपिसोड्स का निर्माण भावनात्मक बुद्धिमत्ता और विज्ञान के आधार पर किया गया है, जो हमें मानवीय मूल्यों के साथ साथ जीवन जीने की कला सिखाते हैं। विद्यालयीन शिक्षा के साथ साथ सत्य, साहस, सेवा भाव, परोपकार, स्वच्छता, संस्कृति जैसे अनेकों जीवन मूल्यों को समझकर और अपनाकर ही हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, जो हमें सफलता की सीढ़ियां चढ़कर हमारे जीवन को नई ऊंचाइयां, नए आयाम दे जाते हैं। धन्यवाद। शिक्षा सिखाती है यही स्वर, माता पिता है सच्चे गुरुवर, आशाओं का दिखाते सरोवर, सच्चे लगन से कर लो अनुकरण। सर्व सद्गुण संपन्ना, गीता भक्ति परायणा, भवितुं जीवनेस्माकं जागृता बालका वयं, उत्थाने राष्ट्रधर्मस्य विज्ञान दृष्टिमाशिता, विवेकानंद मार्गेण वयं सर्वे समर्पिताः। पापा नाश्ता कर लीजिए। हाँ, अरे सात्विक नहीं दिख रहा। ये लड़का भी ना सात्विक। चलो नाश्ता करो। मैं सिर्फ दूध ही लूंगा। अरे नाश्ता नहीं करना, सिर्फ दूध से क्या होगा? मैं मैच के बाद कैंटीन में नाश्ता कर लूंगा। आपको तो पता है ना, मैच के पहले ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अरे हाँ, आज तुम्हारी मैच ही है ना। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू नानू। आप आ रहे हो ना मेरा मैच देखने? नहीं बेटा, आज तुम्हारी मम्मी को है ना बैंक लेके जाना है। बैंक मैनेजर से मैंने समझ लिया है ना, तुम्हारी मम्मी की जॉब के लिए बात करनी है। कोई बात नहीं नानू, आपके विशेष तो मेरे साथ ही है ना, आज तो मेरी टीम ही जीतेगी। वेरी गुड, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। थैंक यू नाना जी। बस बस, बाय नानू। बाय मम्मी। अरे बेटा दूध तो फिनिश करते जाओ। नहीं मम्मी, मैं लेट हो रहा हूं। बेटा तुमने एक महीने के बाद का ज्वाइनिंग क्यों मांगा? इसी महीने ज्वाइन कर लेती। पता नहीं पापा, एकदम से वही दिमाग में आया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है।
हेलो, हाँ बोल रहा हूं। क्या क्या हुआ पापा? पापा क्या हुआ, बोलिए ना पापा क्या हुआ? गोल रोकने के लिए जंप करने और अनबैलेंस्ड होकर गिरने की वजह से गर्दन में गहरी चोट लग गई। गर्दन के नीचे की पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है। मैं आपको झूठी तसल्ली देना नहीं चाहता, मगर अब कोई मिराकल ही उसे बेड से उठा सकता है। हो जाएगा, हिम्मत रखो। अगर किसी मिरेकल से हमारा सात्विक ठीक होना लिखा होगा ना बेटी, तो वो जरूर होगा। बस हमें अपना विश्वास कमजोर नहीं होने देना है। हिम्मत रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तकलीफ कब कहाँ आपका हाथ थाम ले कुछ कहा नहीं जा सकता। एक उछलने कूदने वाली जिंदगी अब हिलने तक के लिए बेबस थी। फुटबॉल पर डिगी सात्विक की आंखों ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें अब एक हॉस्पिटल के कमरे में खुलना है। सात्विक, मम्मी ये मुझे क्या हो गया? मेरे हाथ पर बिल्कुल भी नहीं हिल रहे। प्लीज मेरी मदद कीजिए। सब ठीक हो जाएगा बेटा, हिम्मत रखो। कैसे ठीक होगा नाना जी, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। अब मेरा सपना कैसे पूरा होगा? मुझे बड़ा फुटबॉलर बनना है। फुटबॉल की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई और तुम्हें अभी भी उसी की पड़ी है? मैं फुटबॉल का नाम भी नहीं सुनना चाहती हूं। एक्सक्यूज मी मैम, डॉक्टर सर ने आपको बुलाया है। आइए। मत बोलो बेटा कि तुम एक स्पोर्ट्समैन हो। स्पोर्ट्समैन इतनी आसानी से हार नहीं मानते। बस मम्मी बस। मैम ये कुछ दवाइयाँ लिख के दी गई हैं, इसे प्लीज मंगवा लीजिए। ठीक। सुनिए मैं जरा दवाई लेकर आती हूँ, आप तब तक थोड़ा देख लेंगी? ऑफ कोर्स मैं देख लूंगी, आप जाइए। हेलो, हाँ एक मिनट। वासु तुम उसका ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। हाँ जी।